मैं बस आपको दिखा रहा हूँ तरीका क्या होने वाला है अप्लाई करने का। यहाँ देखिए चूज डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आया, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन आएगा कि आप अपना कौन सा सीवी सिलेक्ट करना चाहते हैं, सीवी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नया सीवी अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर से यहाँ पर कवर लेटर का ऑप्शन आएगा, अपलोड करना चाहते तो अपलोड कर दीजिए, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं। अदर बाद यहाँ पर फिर आया सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों, और फिर से मेरे जो है ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, देख सकते हैं। गुड लक सौरभ, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट टू हेल्थ एक्स। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की डिमांड के बारे में तो आपको ही पता है कि किस तरीके से हर इंसान जो है इस वक्त न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, वर्क वीजा लेना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो है दोस्तों, सबसे बड़ी दुविधा जो है कि न्यूजीलैंड का वर्क वीजा लेने के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा लेने के लिए हमें सबसे पहले जॉब ढूंढनी होती है। लोग जॉब्स तो सर्च कर लेते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के, लेकिन उन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कैसे वेबसाइट्स पर अकाउंट क्रिएट करना होता है दोस्तों। इसीलिए आज की जो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीख न्यूजीलैंड या फिर सीख ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाकर के खुद के लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करके फॉरवर्ड कर सकते हो दोस्तों, एप्लीकेशन कैसे सेंड कर सकते हो। आपको छोटा सा नमूना जो है मैंने वीडियो की शुरुआत में दे दिया है दोस्तों। अगर आप भी पूरे प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ जॉब सर्चिंग होगी बल्कि जॉब अप्लाइंग भी होगी, इसीलिए एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। अभी मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप सीख न्यूजीलैंड या फिर सीख ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाकर के जॉब अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बना लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से सीवी कवर लेटर बना लीजिए। और अगर खुद से नहीं बना पा रहे दोस्तों तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। जल्दी से हमें व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों, हमसे सीवी कवर लेटर बनवाइए और जो तरीका मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं उस तरीके को फॉलो करते हुए जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, पहले मैं आपको जो है डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, सीख ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे लेकर चलता हूं दोस्तों और अप्लाई करने का तरीका बताता हूं। सेम प्रोसेस जो है आप सीख न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे भी अपना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आपको जो है मैंने सीख ऑस्ट्रेलिया या फिर सीख न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जॉब सर्च करना तो बहुत बार बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके और सीवी कवर लेटर सेंड करना बताऊंगा। बहुत सारे लोग जो है सीख की वेबसाइट पे पहुंच तो जाते हैं, जॉब भी सर्च कर लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। उनको पता नहीं होता है कि अप्लाई करने के लिए कैसे अकाउंट बनाना है और मतलब कैसे उनको जो है आगे के प्रोसेस करना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दूंगा आपको, अकाउंट बना के दिखाऊंगा दोस्तों, नया अकाउंट बनाऊंगा आपके सामने और अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस वक्त मैं जो है आपको सीख की वेबसाइट पर लेके आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीख ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको कुछ जॉब सर्च करके दिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद उन जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करना होगा तो अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट, उसके बाद एनी क्लासिफिकेशन, उसके बाद वेयर और बगल में है सीख। यहाँ पर सीख का मतलब है दोस्तों सर्च, आप सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कोई कीवर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट वाले ऑप्शन में। सपोज हम यहाँ पर जो है प्लम्बर की जॉब सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ हम जो है प्लम्बर टाइप करेंगे। अभी मैं जो है आपको जॉब सर्च करना बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप हमारी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जॉब सर्च करने की, ठीक है? आप वो सारी चीज़ें जाकर के देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ प्लम्बर टाइप कर लिया है। क्लासिफिकेशन अगर आपको यहाँ पर सेट करना है तो आप क्लासिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एनी क्लासिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर्स दिए गए हैं, कुछ सेक्टर्स में आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में आपको जॉब चाहिए। तो खैर यहाँ पर हम सेक्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्लम्बर की जॉब सर्च करना चाहते हैं तो हम प्लम्बर कीवर्ड में डाल देंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन को खाली छोड़ देंगे, लोकेशन भी नहीं डालेंगे दोस्तों, सर्टेन लोकेशन पर हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जॉब मिल जाए वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो नो लोकेशन प्रेफरेंस और नो क्लासिफिकेशन प्रेफरेंस, आई जस्ट वॉन्ट प्लम्बर जॉब और इसीलिए मैंने प्लम्बर डाल करके सर्च कर लिया दोस्तों। सीख पे मैंने क्लिक कर लिया है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्च हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए सर्च हो रहा है, लोड हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जो है प्लम्बर से रिलेटेड जॉब्स आ गई हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल है वो सारी की सारी जॉब्स जो है फॉरेन वर्कर्स के लिए अवेलेबल है, यहाँ लोकल लोगों के लिए जॉब अवेलेबल है, ऐसी भी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों जिनके लिए आप न्यूजीलैंड के बाहर से या फिर ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसको आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना होगा, आपको जो है जॉब पर क्लिक करके जॉब में दी गई जानकारी पढ़नी होगी दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा ताकि आप जो है किसी भी टाइप की गलती ना करें, ऐसी जॉब
जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें जो जॉब आपके लिए अवेलेबल ना हो, ठीक है, वैसी जॉब्स के लिए अप्लाई करें जहां पर वर्किंग वीजा राइट्स नहीं मांग रहे हैं, या फिर जो जॉब जो है स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही है, या फिर जो जॉब जो है फॉरेन वर्कर्स के लिए है। अगर आप थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे दोस्तों तो आप खुद के लिए अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर पाओगे। यही होता है दोस्तों, अगर आप एजेंसी को पैसे नहीं देते हो, 15-20 लाख रुपए नहीं देना चाहते हो, तो आपको समय देना होगा, अपना समय दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए दोस्तों, हर दिन जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, हर दिन जॉब सर्च कीजिए, उसके बाद ही आपको सही जॉब मिलेगी। सपोज यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड पर्सन प्लंबर, मैकेनिकल प्लंबर, प्लंबर, कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, साइट सर्विस प्लंबर, क्वालिफाइड प्लंबर, साइट सर्विस प्लंबर, कमर्शियल प्लंबर, 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 सिर्फ और सिर्फ प्लंबर की जॉब्स आ चुकी हैं दोस्तों, क्योंकि हमने कीवर्ड्स में प्लंबर का इस्तेमाल किया था। अभी इसमें से किसी भी एक जॉब पे क्लिक करना चाहोगे तो ऐसे क्लिक कर लेना है हमें, सिंपली यहाँ पर साइट सर्विस प्लंबर है, ठीक है, रैंडमली कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंटिन्यू इन ऐप और स्टे ऑन वेबसाइट, तो आपको जो वेबसाइट पे रुक जाना है, ठीक है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करवाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्लंबर की जॉब ओपन कर लिया दोस्तों। कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, 45 से 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको जो है पर घंटे मिल सकते हैं अगर आप एक स्किल्ड प्लंबर हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतनी सैलरी आपको मिल रही है तो आपसे एक्सपीरियंस जरूर मांगेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लुकिंग टू एक्सपैंड एंड आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड प्लंबर एंड अ थर्ड फोर्थ ईयर अप्रेंटिस फॉर एन इमीडिएट स्टार्ट। अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर के अप्रेंटिस हैं जो काम सीख रहे हैं तो आपको मिल सकती है जॉब इमीडिएट स्टार्ट के लिए, अदरवाइज अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्लंबर हैं तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है दोस्तों। आपको इनके साथ क्यों काम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बेनिफिट्स वगैरह, रिक्वायरमेंट्स क्या मांगे जा रहे हैं दोस्तों, आपसे रिक्वायरमेंट्स वगैरह की जानकारी भी दी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, फलाना फलाना चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स और जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप फुलफिल कर सकते हो, तभी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है एक क्विक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हर जॉब के अंदर जो है आपको अप्लाई या क्विक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। क्विक अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप जो है आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। देखो यहां पर लोड हो रहा है, क्विक अप्लाई पे मैंने क्लिक कर लिया है क्योंकि अब मेरा अकाउंट क्रिएटेड नहीं है यहां पर, तो अभी अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है। साइन इन मतलब कि अगर अकाउंट क्रिएट है तो लॉग इन आईडी पासवर्ड डालिए और साइन इन कर लीजिए, अदरवाइज पहली बार अगर आए हैं इस वेबसाइट पे, अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। पहली बार वाले मतलब जो भी एप्लीकेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको रजिस्टर करना होगा दोस्तों। मैं अभी आपको रजिस्टर कर दिखाऊंगा। रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है ईमेल एड्रेस डाल दूंगा अपना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप डाल दीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल दिया दोस्तों। उसके बाद हम जो है पासवर्ड जनरेट कर देंगे, अभी मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए मैं स्क्रीन जो है थोड़ी सी यहाँ पर एडिट करने वाला हूँ। अब दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख करके आ चुका है, नाइस वन। आपको जो है अच्छा एक पासवर्ड जनरेट करना है दोस्तों, बनाना है ताकि आपको वो याद भी रहे और आप भूलो ना, ठीक है। मैं रजिस्टर पे क्लिक कर लूँगा, देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर ईमेल आईडी डाली है और पासवर्ड जनरेट करके जो है मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया दोस्तों। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लोड हो रहा है, लोड होने के बाद यहाँ पर ओपन हो चुकी है दोस्तों ये वेबसाइट फिर से। यहाँ पर अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछे जा रहे हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट नेम वगैरह डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, लोकेशन वगैरह डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो और एंटर फोन नंबर यहाँ पर जो है कंट्री कोड वगैरह के साथ डाल सकते हो आप दोस्तों। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, देखो आपके सामने करूँगा जो भी करूँगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया सौरभ, ठीक है, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में डाल दिया मैंने आनंद, ठीक है, जो भी आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो डाल दीजिए। फिर नीचे होम लोकेशन का ऑप्शन आया दोस्तों, होम लोकेशन में मैंने इंडिया डाल दिया है, उसके बाद फ़ोन नंबर और कंट्री कोड वगैरह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर पे मैं यहाँ पर इंडिया डाल दूंगा और उसके बाद कंट्री कोड के साथ जो है फ़ोन नंबर टाइप कर दूंगा। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों ताकि मेरे पास उल्टे सीधे मैसेज ना आए, क्योंकि मैं अगर पर्सनल नंबर डालता हूँ ऐसे अप्लाई करते समय तो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स वो आते रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे मैसेज वगैरह आने लगते हैं, इसीलिए अब मैं नंबर डालना छोड़ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, सेव कर दिया मैंने पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट रेज्यूमे, तो यहाँ से आप रेज्यूमे सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है दोस्तों आप एक साथ 3-4 रेज्यूमे डाल सकते हो अलग अलग जॉब के लिए, ठीक है। सपोज आपको आप फ्रेशर हो तो आपको जो है किसी में अपनी स्किल्स हाईलाइट करनी है तो स्किल्स हाईलाइट करके एक सीवी बना लिया है, उसके बाद किसी में आपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया है, किसी में आपने अपने एजुकेशन को हाईलाइट किया है, तो ऐसे आप 3-4 रेज्यूमे बना करके जो है एक साथ यहाँ पर डाल सकते हो दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास कि हाँ भैया इन दोनों तीनों सीवीज में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। खैर अभी मैं आपको जो है अपलोड करके दिखा देता हूँ एक सीवी एग्जांपल के तौर पे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है एक सीवी आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं स्किल फोकस्ड सीवी एग्जांपल के तौर पर जो मैंने एक सीवी अटैच कर दिया दोस्तों। नीचे जो है
कवर लेटर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और डोंट इंक्लूड अ कवर लेटर का भी ऑप्शन आता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पर मैं जो है ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, डोंट इंक्लूड अ कवर लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप पे लाया जाएगा, क्योंकि मैं प्लम्बर की जॉब के लिए अप्लाई करके लॉग इन कर रहा हूँ दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर लॉग इन तो हो चुका है मेरा, ऑलमोस्ट मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों लॉग इन का। अब जो है यहाँ पर मेरे को एम्प्लॉयर के सवालों का जवाब देना है, एम्प्लॉयर ने जो जॉब के लिए सवाल पूछे हैं दोस्तों उन सारी चीज़ों का जवाब देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस डू यू हैव एज अ प्लम्बर, आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं आप। यहाँ पर मैं नो एक्सपीरियंस कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अप्लाई कर नहीं रहा हूँ, आपके लिए बस दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे को डेमो के तौर पर करना है। डू यू होल्ड अ कंस्ट्रक्शन इंडक्शन सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। ये एक्चुअली लगता है मेरे को कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए जॉब है, मैंने अच्छे से पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बोल दूँ कि आपको जो है फॉरनर्स के लिए जॉब अप्लाई करनी है दोस्तों, अगर आप वहाँ के लोकल लोगों के लिए जॉब अप्लाई करोगे तो आपको रिस्पांस नहीं आएगा, आपको तुरंत ना कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ सारी चीज़ें मैं भर देता हूँ, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं उन सारी चीज़ों को भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको जो है यहाँ लिखा हुआ है अपडेट सीक प्रोफाइल, सीक प्रोफाइल अपडेट करना है दोस्तों यहाँ पर। योर सीक प्रोफाइल इज़ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, मेक श्योर इट्स अप टू डेट। आप करियर हिस्ट्री वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ सारी की सारी जानकारी डाल सकते हो कि कहाँ पर आपने कितने दिन काम किया है, सेव कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जब आप चीज़ें डाल लोगे तो आप सेव करना, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर लेना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको जो है भरना ही भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें जो जो पूछी जा रही हैं उन सब चीज़ों को अगर आप भरना चाहते हो तो आप मैनुअली भर सकते हो, अदरवाइज आपने अपना रेज्यूमे अपलोड कर ही दिया दोस्तों, जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स हैं। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मैनुअली भर लेना, ताकि आप किसी भी तरह से पीछे ना रहो एप्लीकेशन करते समय। एप्लीकेशन करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर देना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो मेरा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सौरभ आनंद इंडिया, ये ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड में क्या है, सीवी आ चुका है दोस्तों, और अगर आप अपना कवर लेटर अपलोड करते तो दोस्तों आपको अपलोडेड कवर लेटर भी दिख जाता, ठीक है। एम्प्लॉयर के क्वेश्चंस जो पांच थे आपने पांच के पांचों का जवाब दिया है। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो मैनुअली भरनी थी वो सारी चीज़ों का आप भरने के बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे का ऑप्शन है दोस्तों, सिलेक्ट अ प्रोफाइल विजिबिलिटी लेवल, क्या आप चाहते हैं कि ये प्रोफाइल बाकी के एम्प्लॉयर्स को भी दिखे, तो अगर ऐसा चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पर सेट कर लेना होगा, स्टैंडर्ड लिमिटेड वगैरह वगैरह चीज़ें सेट कर लो। उसके बाद जो है आगे की तरफ आप बढ़ सकते हो और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो दोस्तों। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है सेंड हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इन द सीक ऐप, डोंट मिस आउट, यानी कि अब आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। गुड लक सौरभ, योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सेंट टू सोलेस प्लम्बिंग, जो कि कंपनी का नाम है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अभी तो मैंने आपको डेमो दिखाया है, याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि इससे ज़्यादा सवाल हो किसी एप्लीकेशन में, और हो सकता है कि बिल्कुल भी सवाल ना हो दोस्तों, डायरेक्ट आप क्विक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब गुड लक सौरभ करके बोल दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ऊपर मेरा नाम भी आ चुका है एम्प्लॉयर साइट के बगल में, ठीक है। अभी मैं दूसरी जॉब के लिए अगर अप्लाई करके दिखाऊँ तो कैसे करना है वो दिखा देता हूँ दोस्तों। सपोज़ अभी हमें जो है स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, तो स्पॉन्सरशिप जॉब्स टाइप कर लेंगे, यहाँ सीक पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, और कुछ जॉब्स जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं रिजल्ट के तौर पे, और आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना मत भूलिएगा, बार बार आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप फॉर क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्सेज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऊपर आप देख सकते हैं सौरभ लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है, यहाँ कोई अप्लाई का ऑप्शन आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ तरीका क्या होने वाला है अप्लाई करने का। यहाँ देखिए चूज डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आया, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन आएगा कि आप अपना कौन सा CV सिलेक्ट करना चाहते हैं, CV सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नया CV अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर से यहाँ पर कवर लेटर का ऑप्शन आएगा, अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर दीजिए, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर अभी ये कर देता हूँ ताकि लंबा ना जाए प्रोसेस। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीक प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आएगा, आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह के बारे में आप डाल सकते हैं। मैं जैसे कि बताया कि मैनुअली आप भर सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं भरना चाहते तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप ये कैंसिल ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर फिर आया सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों, और फिर से मेरे जो है ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, देख सकते हैं। गुड लक सौरभ, योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सेंट टू हेल्थ एक्स। इस तरीके से जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, और सीक पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दोनों कंट्रीज़ में जो है अपने लिए एक अच्छी जॉब सर्च कर लेनी है।
देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप खुद के लिए सीक न्यूजीलैंड या फिर सीक ऑस्ट्रेलिया पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको जॉब सर्च करना है, कौन कौन से ऑप्शंस यूज करने हैं दोस्तों, कैसे आपको अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करना है सीक की वेबसाइट पे और कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई कर देना। दोस्तों अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा, वेट करना छोड़ो, जल्द से जल्द जो है चालू हो जाओ। दोस्तों अभी आपको मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। साथ ही जब आप जॉब सर्च कर रहे हो दोस्तों तो जॉब सर्च करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना मत भूलिएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा कि ये जॉब लोकल लोगों के लिए है या फॉरेन वर्कर्स के लिए है, उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में इसीलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।